नमः शिवाय। कल से अंग्रेजी मत के अनुसार, आंग्ल मत के अनुसार नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। सभी को यह उत्सुकता रहती है कि हमारा नया साल, नया वर्ष कैसा होगा। इस संबंध में कल से हम प्रत्येक राशि के वार्षिक राशिफल की प्रत्येक दिन विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि सारे विषयों को समाहित करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आजीविका कैसी रहेगी, किसके साथ क्या उतार चढ़ाव आ सकता है, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, विद्यार्थियों के लिए परीक्षा और प्रतियोगिता में कैसे और कब सफलता मिल सकती है, घर परिवार पत्नी मधुर संबंधों और समाज के दायरे को लेते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, और अच्छा समय वर्ष पर्यंत बना रहे इस संदर्भ में जो संभव और सटीक उपाय किए जा सकते हैं उसको भी आप सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसलिए कल से दैनिक राशिफल की जगह प्रत्येक दिन प्रत्येक राशि का वार्षिक राशिफल प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। पौष मास कृष्ण पक्ष सोमवार दशमी तिथि पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा आज भी चित्रा नक्षत्र में सुबह 8:18 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे दिन स्वाति नक्षत्र में ही चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी राहुदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, बुद्धिमान, लोकप्रिय, सफल व्यापारी, देवताओं और ब्राह्मणों के भक्त होते हैं। ऐसे जातक संवेदनशील, न्यायप्रिय, स्पष्टवादी, पूर्वानुमान लगाने में कुशल, अद्भुत स्मरण शक्ति वाले, तर्क शक्ति में प्रवीण और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शुक्र और राहु की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा की युति आज भी शुक्र के साथ बनी रहेगी और मंगल की अष्टम दृष्टि भी कायम रहेगी, मगर नक्षत्र राहु का होगा, जिससे अतिरिक्त कार्य क्षमता का लाभ होगा, नेतृत्व करने की क्षमता पैदा होगी और कुशलता से हर कार्य करने में सफल रहेंगे, मगर साथ ही साथ शुक्र की युति और राहु के नक्षत्र से निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मन को किसी एक विषय पर एकाग्र करने में दिक्कत होगी, अनिश्चितता का भाव और मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होना भी संभावित है। अपने सामान के प्रति सचेत रहें, गायब होने या चोरी होने का अंदेशा भी बनता है। हालांकि शुक्र चंद्रमा की युति भावनात्मक रिश्तों को बल देगी, वैवाहिक मामले सफल रहेंगे और मधुर संबंध प्रगाढ़ होंगे। आज का दिन ऋण चुकता करने के लिए विशेष है, मगर आज ऋण लेने के लिए निषेध है, ऋण नहीं लेना चाहिए। आज का राहु काल प्रातः 7:30 से 9 तक लगा रहेगा। इस दौरान किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए अथवा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। मेष राशि के जातक ऊर्जावान महसूस करेंगे, हर काम आसानी से संपन्न होंगे, मगर कुछ कामों में भ्रमात्मक स्थिति कायम रहेगी और साझेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है। निजी सुख संतुष्टि में कमी, मां के स्वास्थ्य की चिंता, जमीन जायदाद संबंधी विवाद और दोषारोपण इत्यादि की संभावना भी बनती है, सावधानी अपेक्षित है। आपकी कार्य योजनाओं में अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, मगर कुछ कामों में देरी हो सकती है, मगर निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे, विवाह संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी, अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी, प्रयास जारी रखें, अपने सामान के प्रति सचेत रहें और वाहन चलाने में विशेष सावधानी बरतें। वृष राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सचेत रहना चाहिए। शुक्र और चंद्रमा दोनों छठे भाव में चल रहे हैं, नकारात्मक विचार संभावित है और मन में अनाप शनाप दुश्चिंताएं आती रहेंगी, आपका मनोबल मन कम ना हो। हालांकि आपकी कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी और प्रतियोगी भावना विकसित होगी, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे, पारिवारिक सुख संतुष्टि में वृद्धि होगी, निजी निवेश में शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, अभीष्ट मित्रों से मुलाकात होगी, सरकारी कामकाज पूरे होंगे और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी, अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, सफलता के लिए प्रयास जारी रखें। मिथुन राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और नए अनुभव प्राप्त होंगे, रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी, आदरणीय व्यक्तियों या उच्च अधिकारियों की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। शुक्र और चंद्रमा की युति पांचवें घर में सक्रियता को बढ़ाने वाली होगी और नई कार्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होगा, उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा, मगर कुछ कामों में भ्रमात्मक स्थिति भी बनी रहेगी, वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा,
आर्थिक मामलों में सोच समझकर उचित निर्णय लेना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। मौसम संबंधी होने वाले संक्रमण से सावधान रहें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कर्क राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र की अतिरिक्त जिम्मेदारी बनी रहेगी। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर दोनों हर काम संपन्न करने के लिए सक्षम होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। रुके हुए काम संपन्न होंगे। बड़े कामों में निवेश का योग बना हुआ है, मगर अधिक जोखिम वाले महत्वपूर्ण निर्णय आज के लिए टाल दें। वैचारिक तालमेल और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बनाए रखें। साथ ही साथ सामान गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बनता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। साथ ही पत्नी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता मिलेगी। सकारात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा और कार्य क्षेत्र के विकास की मानसिकता बनी रहेगी। आपके मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य क्षेत्र के विस्तार में मदद मिलेगी। चंद्रमा पराक्रम भाव में राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। व्यावसायिक और आर्थिक मामलों में मन मुताबिक लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संघर्ष वाला रहेगा। निजी रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, मगर कुछ मामलों में अनावश्यक वाद विवाद, दोषारोपण, विरोध का सामना करना पड़ सकता है। सावधानी बरतें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रहना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए निजी निवेश में रुकावट की संभावना बनती है। मानसिक दबाव के साथ ही साथ अनिश्चितता का माहौल महसूस होगा। हालांकि सकारात्मक पहल सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करेंगे। सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। साझेदारी व मित्रजनों से लाभ संभव है। नई व्यावसायिक योजनाओं के प्रयास सार्थक होंगे और शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें, मगर अधिक आर्थिक जोखिम वाले निर्णय लेने से बचें और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही विरोधियों की साजिश से सावधानी अपेक्षित है। तुला राशि वाले जातकों की दिवा स्वप्न और कल्पनाशीलता की प्रवृत्ति बढ़ी रहेगी। यदि मन केंद्रित रहा तो रचनात्मक सक्रियता विकसित होगी। आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा पूरे दिन बनी रहेगी। चंद्रमा आपकी राशि पर ही है। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, मगर आर्थिक पक्ष के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। चंद्रमा व्यय भाव में चल रहे हैं। कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और संतान संबंधी मामलों में बहुप्रतीक्षित काम पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता और सरकारी सहयोग भी संभावित है। विदेश यात्रा का योग भी बनता है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। साथ ही यात्रा के दौरान अपने सामान के प्रति सचेत रहें। चोरी होने या गायब होने का अंदेशा बनता है। धनु राशि के जातकों के रुके हुए काम पूरे होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक उत्साह जारी रहेगा और रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। आर्थिक लाभ में सहयोग मिलेगा। साझेदारी सफल रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे, मगर आर्थिक लेन देन के साथ ही साथ व्यावसायिक लाभ संबंधी सावधानी, अनावश्यक वाद विवाद, वाणी में उतावलापन और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं भी संभावित हैं। सावधानी अपेक्षित है। मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। आज का दिन कार्य योजनाओं के विकास और सुधार के साथ साथ अधिकारियों, राजनीतिक व्यक्तियों और सहयोगियों के साथ व्यतीत होगा। चंद्रमा दसवें घर में राहु के नक्षत्र में है। नई व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल रहेगा। माहौल को अपने अनुरूप करने में सफल रहेंगे। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। निजी रिश्तों में सुधार और साझेदारी में लाभ संभव है, मगर वाहन सावधानी से चलाएं और कार्य क्षेत्र से आर्थिक सावधानी अपेक्षित है।
कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक सावधानी अपेक्षित है। आय संबंधी मामलों में विरोध की संभावना बनती है, मगर नई कार्य योजनाओं में मदद मिलेगी और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक मामलों में अनावश्यक वाद विवाद संभावित है और कुछ कामों में विवाद और दोषारोपण की संभावना बनती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी जिम्मेदारियों में तनाव के साथ साथ भावनात्मक लगाव बना रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए बहुप्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे। कार्य क्षेत्र में मेहनत की प्रवृत्ति जारी रहेगी। छोटी यात्रा भी संभावित है, मगर मन मुताबिक आर्थिक लाभ में कमी महसूस होगी। चंद्रमा के आठवें भाव में राहु के नक्षत्र में चलने की वजह से मन में नकारात्मक भाव, उत्साहहीनता की स्थिति और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उतार चढ़ाव भी संभावित है। आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा, मगर अधिक जोखिम वाले आर्थिक निर्णय लेने से सावधानी बरतें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए और वाहन सावधानी से चलाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।